Okay, now we discuss about thread example with runnable interface. ठीक है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको पिछले सेशन में ये बताया कि थ्रेड को हम थ्रेड क्लास के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. थ्रेड को हम जावा में दो तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं. ये बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहता है जावा के अंदर कि भाई थ्रेड क्लास जब बनाया गया तो हम रनेबल इंटरफेस क्यों यूज़ करें. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, रनेबल इंटरफेस का यूज़ करने का मोटिव ये होता है कि हम कोई क्लास है जिस क्लास के अंदर मुझे थ्रेड का फीचर भी चाहिए और कोई नॉर्मल फीचर भी चाहिए. नॉर्मल फीचर इन द सेंस कि जैसे मैं इनहेरिटेंस का कोई फीचर मुझे उस क्लास के अंदर यूज़ करना है एज वेल एज और साइमल्टेनियसली मुझे उसके अंदर थ्रेड के एक फीचर्स को भी इंप्लीमेंट करना. मीन्स मल्टीपल इनहेरिटेंस का मेरे पास एक केस है कि मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कराना है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ रही है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस की रिक्वायरमेंट हो रही है. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लासेस के थ्रू तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है जावा में. तो उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? इंटरफेस. इसलिए रनेबल इंटरफेस को स्पेशली डिजाइन किया गया कि जहाँ पर भी आपको एक नॉर्मल क्लास के फीचर्स को भी एक्सटेंड करना है और वहाँ पर थ्रेड के फीचर्स को भी एक्सटेंड करना है तो उस केस में क्लास नॉर्मल थ्रेड क्लास फेल हो गया. वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है? रनेबल इंटरफेस. ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड मल्टीपल इनहेरिटेंस फीचर्स इन क्लास इफ वी वॉन्ट टू इनहेरिट नॉर्मल क्लास फीचर्स एंड थ्रेड फीचर्स बोथ then we can use runnable interface. जहाँ पर हमें नॉर्मल क्लास के फीचर्स को भी एक्सेस करना है थ्रेड के फीचर से. मैं बात करता हूँ आपको, मेरे पास एक क्लास ए है, क्लास बी के अंदर मुझे क्लास ए का ही फीचर भी चाहिए और थ्रेड का फीचर भी चाहिए. इस केस में आपको रनेबल का यूज़ करना पड़ेगा. इस केस में आपको थ्रेड क्लास का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सटेंड्स एक ही चलता है, या कि थ्रेड को एक्सटेंड कर लो या कोई नॉर्मल क्लास को एक्सटेंड करो. ऐसी सिचुएशन में थ्रेड क्लास क्या हो जाती है? फेल हो जाती है. वहां पर रनेबल इंटरफेस का आपको यूज करना कंपलसरी. ठीक है, और रनेबल इंटरफेस के अंदर ये भी है, रनेबल इंटरफेस नॉट प्रोवाइड थ्रेड ऑब्जेक्ट. ये थ्रेड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करता. देन वी विल मैनुअली क्रिएट थ्रेड ऑब्जेक्ट अंडर कंस्ट्रक्टर एंड इनिशियलाइज विथ क्लास. और इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा क्लास ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज विथ क्लास ऑब्जेक्ट, और क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इनिशियलाइज करना पड़ेगा. रन मैथड मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ रनेबल इंटरफेस. रनेबल इंटरफेस के केस में आपको रन मैथड इंप्लीमेंट करना, रन मैथड डिफाइन करना मैंडेटरी है. जैसे इसके पहले वाले प्रोग्राम में आप रन मैथड डिफाइन नहीं भी करते तब भी आपका प्रोग्राम चल जाता है. लेकिन यदि आपने रनेबल इंटरफेस का यूज़ किया है तो उसके अंदर एक पहले से रन नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मैथड है, तो उस आपको पता है कि इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है तो उसके अंदर के एब्स्ट्रैक्ट मैथड को भी इंप्लीमेंट करना जरूरी है. तो ये दूसरा डिफरेंस भी होता है कि रन मैथड मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ रनेबल इंटरफेस. तो रनेबल एक इंटरफेस होता है, एक क्लास नहीं होता, और इंटरफेस कभी ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करता. इसलिए रनेबल इंटरफेस जब भी आप यूज करोगे तो आपको उसके अंदर थ्रेड का ऑब्जेक्ट मैनुअली बनाना पड़ेगा. रनेबल इंटरफेस आपको थ्रेड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि इंटरफेस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड करता. ओके, तो मैं इसके अंदर एक प्रोग्राम आपको बता रहा हूं. जैसे यही प्रोग्राम है, यहां पर मैंने एक्सटेंड्स रनेबल कर दिया. देख लो मैं क्या क्या चेंजेस में करूंगा. एक चेंजेस तो मैंने ये किया, दूसरा चेंजेस ये किया कि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और थ्रेड को मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दूसरा चेंजेस, आई विल क्रिएट कंस्ट्रक्टर एंड डिफाइन थ्रेड मैन्युअली. ये थ्रेड क्लास को मैंने यहाँ पे मैन्युअली डिफाइन किया और यहाँ पे पास किया दिस. दिस मतलब होता है करेंट ऑब्जेक्ट, करेंट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को पॉइंट करना. यदि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने दिस लिख दिया, देयर मीनिंग इज दैट कि ये जो टी ऑब्जेक्ट है, ये करंट जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करेगा? ये पॉइंट आउट करेगा.
आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टी डॉट स्टार्ट, इसके बाद मैं क्या करूंगा टी को स्टार्ट करूंगा। नाउ आई विल क्रिएट दिस प्रोग्राम, इसके बाद में प्रोग्राम पूरा सेम रहेगा, बाकी रन मेथड आपका कोई डिफरेंसेस नहीं है, पूरा सेम टू सेम प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर रन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगा, बस आपको बस इतना लिखना पड़ेगा। स्टार्ट हमने क्योंकि कहाँ पर कर दिया, ऊपर अपन ने स्टार्ट कर दिया है, बस अनेबल के केस में प्रोग्राम आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, थ्रेड का एक अपना रिसोर्स क्रिएट होगा और वहां से प्रोसेस चलना चालू हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, थ्रेड चालू हुआ। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और थ्रेड चालू हो गया, ठीक है। क्योंकि रनेबल के अंदर अपन यहां पर, अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर अपन स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थ्रेड डेमो आपका थ्रेड नहीं है, थ्रेड डेमो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, अब ये थ्रेड ऑब्जेक्ट नहीं है। यही डिफरेंस होता है क्लास और इंटरफेस में। इंटरफेस इंप्लीमेंट करने से उसके अंदर सिर्फ सेटअप मेथड्स आते हैं, वो क्लास नॉर्मल क्लास ही रहता है। लेकिन यदि आप किसी क्लास को एक्सटेंड कर दिया तो वो क्लास क्या हो जाता है, उस क्लास के पूरे फीचर्स, मतलब उसकी मेमोरी को भी मैनेज करता है, उसके एड्रेस को भी मैनेज करता है, उसके फीचर्स को भी मैनेज करता है। तो इंटरफेस सिर्फ सेट ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करता है, और क्लास यदि आप एक्सटेंड करते हो तो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लास के पूरी फीचर्स क्या होते हैं उस क्लास के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, ना कि सिर्फ सेट ऑफ मेथड्स। यहाँ पर हमें एक्सटेंड्स नहीं लिखना होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स, क्योंकि आपको पता है इनहेरिटेंस के अंदर क्या यूज करते हैं अपन, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। और स्लीप मेथड भी अब यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चलेगा, कि वहां पर तो थ्रेड के अंदर था, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को थ्रेड डॉट स्लीप। दिस इज द प्रोग्राम, ओके। इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है प्रोग्राम्स को बनाने का यूजिंग रनेबल इंटरफेस। ओके, थैंक्स फॉर दिस।